अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखें डॉक्टर साहब की जो है ना वो यूट्यूब की पहली कमाई आ गई है। चेक करें डॉक्टर साहब किस तरह गिर रहे हैं। डॉक्टर साहब भाई क्या हाल है? मजा आ रहा है भाई, यूट्यूब पे आओ, सीधी बात है, कुछ दिन की में बनना है तो डॉक्टर साहब कुछ ये पैसे गिनता डॉक्टर साहब बताएंगे कितने हैं। देखें YouTube की पॉलिसी है, बताएं तो वो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा यार मुझे गिन तो दे, खुशी से मैं फिर भूल जाता हूँ। ये जी डॉक्टर साहब आपका चैनल का क्या नाम है जरा बताना। हमारा चैनल का नाम वो सब्सक्राइब नेटवर्क फार्मिंग जी। मैंने इसलिए डॉक्टर साहब की आपको इनकम बताई है कि चले आप डॉक्टर साहब का चैनल भी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब माशाल्लाह फार्मिंग के ऊपर बहुत अच्छी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं और माशाल्लाह इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। दोस्तों देखें डॉक्टर साहब ने बहुत अरसा मेहनत की है और ये अब आपको अपनी यूट्यूब की कमाई का तो नहीं बता सकते कि ये जी कितनी इनकी इनकम आई है, लेकिन बहरहाल आप देखें आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जी जो नोट इनके पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक तेरी ज़ात का शुक्र है। तो बाकी ये कि आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है, देखें कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप जो भी काम करेंगे उसमें मेहनतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। अभी हम एडवेंचर कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ ने काटा है, देखें इतना मुझे लगता है ये अल्लाह ना करे बड़ा हो जाए, एक चीज़ ने काटा है। ये मतलब ये कि मेहनत में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, आपके घर वाले आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के बाहर से दोस्तों के कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी। मेहनत करेंगे तो कुछ सिला मिलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन आपका इतना होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिलीव इन गॉड। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाकया है। बंद करें पे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का एक वाकया है कि बहुत दिन हुए थे कि हजरत फातिमा से पूछा कि बहुत दिन हुए आपने कोई फरमाइश नहीं की, मुझे कोई फरमाइश करें। हजरत फातिमा ने कहा कि बड़े दिन हुए हैं, काफ़ी अरसा हुआ है अनार नहीं खाया, आज मेरा अनार खाने का मन कर रहा है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको अनार दिला देते हैं। माशा हजरत अली मार जाते हैं बाजार में, बाजार से अनार खरीदते हैं, अनार खरीद के रास्ते में आ रहे होते हैं, एक फकीर सदा लगाता है कोई है मुझे अल्लाह की रास्ते में देने वाला, कोई है मेरी भूख मिटाने वाला। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान हो जाते हैं कि इतनी मुद्दत बाद हजरत फातिमा ने मुझे फरमाइश की है और ये जो फकीर है ये सदा लगा चुका है, भूखा है, क्या करूं? अगर वो उनको ना दूं तो वो फरमाइश जो है इतने साल बाद वो नाराज होंगी, अगर इसको दूं तो फिर ये इसको ना दूं तो फिर जो है ना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जो फितरत थी कि अल्लाह के रास्ते में वो उन्होंने देना ही देना है, तो वो अल्लाह के रास्ते में दे के आ गए, रास्ते में परेशान दरवाज़ा खोला आए तो हजरत बीबी फातिमा देखें मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, उन्हें पहले पता था कि अल्लाह के रास्ते में ये दे के आ चुके होंगे। तो जब वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो हजरत फातिमा ने कहा कि हाँ मुझे पता है आप परेशान ना हो, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी फरमाइश इतने सालों के बाद वो भी अल्लाह के रास्ते में गई। तो बात यह है कि थोड़ी देर मतलब यह है कि उन्होंने ना अनार सिर्फ एक अनार खरीदा था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो अल्लाह के रास्ते में दे दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाता है, कोई फकीर कोई बंदा मतलब ये कोई एक सहाबी आते हैं, वो सदा दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाहर आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और वो सहाबी कहते हैं कि ये आपके अनार हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भेजे हैं और ये आप ना इसको एक्सेप्ट करें, मतलब आप इसको एक्सेप्ट रख लें। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि गिनो ये कितने अनार हैं। तो सहाबी ने ना सहाबी ने गिने तो मुगालते थे ना 10 अनार थे, मुगालते से वो 9 मतलब ये कि उन्होंने ना कह दिया कि ये 9 है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये तो मेरे हो ही नहीं सकते, मैं अभी अल्लाह के रास्ते में एक अनार दे के आया हूँ और अल्लाह ने वादा किया कि एक दोगे 10 मिलेगा, ये तो 9 अनार हैं, ये तो मेरे हो नहीं सके। साहबी ने बार बार इसरार किया कि नबी पाक ने भेजे हैं, आपके हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे हैं। हजरत अली ने कहा आप सही नहीं कह रहे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने वादा किया है कि एक दोगे 10 मिलेगा, मैं अभी एक दे के आया हूँ, तो अल्लाह की ज़ात तो मतलब ये है कि कोई झूठ हो ही नहीं सकता। तो जब उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर खुद गिने तो 10 अनार थे। तो हजरत अली ने कहा कि
कि ये अनार मेरे हैं, क्योंकि मैं अभी अल्लाह के रास्ते में एक दे के आया हूँ और ये मुझे 10 मिले, तो यकीन चेक करें अल्लाह ताला की ज़ात का, उन उनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अल्लाह ताला की ज़ात पे कि एक अनार दे के आए और 10 जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको अता किए। तो बिलीव इन गॉड चेक करें, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना पड़ेगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, मजबूत यकीन रखें, वही होना है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए सोच के रखा। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करेंगे आपको कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे भाई तो फिर जो है ना जलालत है। मेहनत करें, हलाल की रोज़ी कमाएं, हलाल कमाना भी इबादत है, मेहनत में बरकत है, हरकत में बरकत है। तो यही जनाब जो है ना हम आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जरा फरूक भाई से भी पूछ लेते हैं, मुझे लग रहा है इनका भी कोई मूड बन रहा है यूट्यूब का चैनल खोलने का। जी जी, बनाते हैं इंशाल्लाह। हमें भी डॉक्टर साहब की कमाई देख के जो है ना हमें लगता है हमें भी बनाना पड़ेगा चैनल। चले इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे डॉक्टर साहब मजीद आपको भी और फरूक भाई मैं आपको भी। मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कोई भी बंदा जो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, कोई भी बंदा, कोई यंग स्टूडेंट, कोई बंदा जो स्टडी कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी में है, वो कहता है कि मैं बेरोजगार हाँ, मैनू तो कुछ काम भी नहीं मिलता, मैं तो जनाब जी कोई पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिलती। अब भाई तेरे बच्चे अगर ताकत है ना तो सब कुछ मिलेगा। तेरे च पावर होनी चाहिए है, तेरे बच्चे यकीन होना चाहिए, तेरे जज्बा होना चाहिए। जज्बा ऐसा हो कि हर चीज़ को फाड़ के जो है ना तुम हासिल करो वो चीज़। तो मैं आपको ये बार बार कहूँगा, मेहनत करो, मेहनत में जो है ना सब, मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे भाई तो फिर जो है ना धक्के ने तगारियां चुकनिया ने जनाब, तगारियां भी आजकल दे जवाना को तगारियां भी नहीं चुकिया जांदिया, तगारियां चुकनिया ने तगारियां चुक के जनाब तुसी जनाब रुल जाना है। मेहरबानी करो, मेहनत करो, मेहनत जो है ना उसमें बरकत है। तो इसी से मुझे इजाजत दें। तो बाकी ये सिद्दीक भाई है माशाल्लाह, इनका भी यूट्यूब चैनल है सी टॉक्स के नाम से, तो आप इनको ठीक है डॉक्टर साहब।